देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अन्ना के समर्थक 7 RCR पे जहाँ प्रधानमंत्री निवास पर बैठक चल रही है वहाँ पर अन्ना के समर्थक पहुँच गए हैं और अन्ना हजारे के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। 7 RCR के ठीक सामने यहाँ पर मीडिया का कैमरा मौजूद है और मीडिया कवर करने के लिए प्रधानमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक के लिए आया हुआ है और इस बात की जानकारी कहीं न कहीं अन्ना हजारे के समर्थकों को भी है कि यहाँ पर आने के बाद वो अपनी बात मीडिया के जरिए पूरे देश के लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जिस तरह से अन्ना का अनशन का आज 9वां दिन है और अन्ना के समर्थकों में इस बात को लेकर बेचैनी है, इस बात को लेकर चिंता है कि अन्ना का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। डॉक्टरों ने भी कहा है कि अन्ना की सेहत बिगड़ती जा रही है और अगर इसी तरह अन्ना की सेहत बिगड़ती गई तो आने वाले समय में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह को अन्ना मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और यहाँ तक कह दिया कि अगर वो जबरदस्ती सरकार की तरफ से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश होती है तो लोग इसका विरोध करें और इसी के तहत आज सर्वदलीय बैठक में पूरे मामले को रखा जाएगा। जिस तरह से अन्ना हजारे के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत हुई है और जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी है और जिन जिन मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है उसको लेकर तमाम मुद्दों पर विस्तार से सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन टीम अन्ना के सहयोगियों को या टीम अन्ना के समर्थकों को इस बात की चिंता नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग का वो सब्र कर सकें, ऑल पार्टी मीटिंग का वो इंतजार कर सकें। इसीलिए भारी तादाद में यहां पर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। 7 RCR प्रधानमंत्री निवास के ठीक सामने यहाँ पर अन्ना के समर्थक पहुंच गए हैं, पुलिस भी पहुंच चुकी है। अब कुछ ही देर में हो सकता है कि पुलिस इनकी गिरफ्तारी करे या ये जबरदस्ती यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि जो ऑल पार्टी की मीटिंग हो रही है उस पर ऑल पार्टी की मीटिंग में अन्ना हजारे के समर्थन में सभी राजनीतिक दल एकजुट हों और अपनी आवाज बुलंद करें। रमन, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं, कल और आज बैठकों का दौर जा रही है, चाहे बात अन्ना की टीम के सदस्यों के बीच सरकार से बातचीत की हो या फिर किसी और तरह की बातचीत जिसे पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक होनी है, हम उम्मीद करें कि फाइनल बात सामने आ जाएगी कि आखिर जन लोकपाल और अन्ना के अनशन पर क्या स्टैंड है पार्टी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका। बिल्कुल, अभी तक देखिए कि सरकार ने जो लोकपाल बिल पेश किया था संसद के अंदर उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी या बीजेपी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों ने भी आपत्ति जताई थी और बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना था कि ये लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ठीक तरीके से लड़ने में कामयाब नहीं होगा। लेकिन आखिरकार क्या मसौदे उसमें और ऐड होने चाहिए इस बात को लेकर बीजेपी ने अभी तक खुलासा नहीं किया था और इसी के तहत यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और एनडीए की सरकार में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तक ऑफर किया इसी बात की नाराजगी को लेकर कि पार्टी ने अभी तक लोकपाल बिल के मामले पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ किया है। हमें लोगों को बताने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आखिरकार बीजेपी का स्टैंड है क्या है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि लोकपाल बिल जो कि पेश किया गया सरकार की तरफ से वो मजबूत नहीं है तो आखिरकार इसमें मजबूती दिलवाने के लिए आखिरकार और क्या प्रावधान होने चाहिए इस बात को पूरी तरह से बताना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर जिस तरह 7 RCR में अन्ना हजारे के समर्थक यहाँ पर आ गए हैं, इसी तरह से कई सांसदों के घरों पर भी उन्होंने डेरा डाला हुआ था और इसी क्रम में बीजेपी सांसदों के घरों के बाहर भी इनका प्रदर्शन हुआ था और इसी बात का जिक्र यशवंत सिन्हा ने आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में किया। लेकिन इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो इससे एन पहले सलमान खुर्शीद, संदीप दीक्षित और अन्ना हजारे के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है और उसमें जो मसौदा फाइनल हुआ है उस पर ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार टीम अन्ना क्या चाहती है, टीम अन्ना की डिमांड क्या है और अगर टीम अन्ना की मांगों को मान लिया जाए उसके बाद सरकार को क्या परिवर्तन करना पड़ सकता है और आने वाले समय में जो उनकी मांगे हैं अगर मांगों को मान लिया जाए तो संसद के अंदर जो उनका आचरण होता है उस पर भी लोकपाल की बंदिश होगी, लोकपाल उस पर भी कार्रवाई कर सकता है। यानी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सभी राजनीतिक दलों की राय लेने के बाद ही सरकार टीम अन्ना के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएगी।